तो नमस्कार दोस्तों, कुलदीप यू के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग पौड़ी गढ़वाल के खिरसू ब्लॉक के अंतर्गत चोपड़ा गांव में अभी पहुंचे हैं और यहां पे जो है कि उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी के द्वारा एक प्रोजेक्ट एक यहां पे सेब की क्यारियाँ बनाई गई हैं, जहाँ पर कि अब छोटे छोटे सेब लगने लग गए हैं। तो आज हम लोग जो है कि इन सेबों का एक व्लॉग बनाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो यहाँ पर जो है कि हमारे साथ एक अंकल जी हैं जिनकी देख रेख में ये पूरा काम चल रहा है। तो उनसे हम लोग डिटेल में इस वीडियो मतलब इस बगानी के बारे में जानेंगे कि कैसे उन लोगों ने मेहनत करके यहाँ पे ये सेब के पौध लगाए हैं और कब तक ये सेब तैयार होंगी, कितने किलो ये सेब देते हैं और कितना कितना उनको टाइम लगा, कितने कितने उनको वर्कर्स लगे और कितने क्षेत्रफल में मतलब ये सेब का बगान फैला हुआ है, ये सारी डिटेल्स हम उनसे जानने वाले हैं। तो बूढ़ा सबसे पहले जरा आप नवा बता दी। मैं दलवीर सिंह रावत। हाँ जी, तो मतलब आप लोगों को जो है कि ये सेब के पौधे तैयार करने में कितना टाइम लगा? नहीं, सेब के पौधे मैं हिमाचल से परचेज किया। ये ऑलरेडी 3 साल के पेड़ थे। अच्छा जी। तो मतलब अभी के टाइम पे मतलब ये कितने सेब देंगी? ये अभी फर्स्ट सीजन है इनका, तो अभी तो इन पे लगे थे काफी सेब, हमने कम कर दिए क्योंकि इनकी ग्रोथ नहीं बढ़ती ना पेड़ों की। अच्छा। इन पे दो दो चार चार रखे हैं, नेक्स्ट ईयर से पर पेड़ पे 5 किलो 6 किलो रखेंगे। अच्छा, तो इस क्षेत्रफल में मतलब कितने सेब के पेड़ अभी आपने लगा रखे हैं? ये अभी इसमें अवेलेबल हैं 4300 पेड़। 4300। अच्छा जी। और अभी लगेंगे 5000 पेड़ का हमारा स्कोप है। और पर पेड़ कितना केजी मतलब? पर पेड़ तो ये अभी 3-4 साल बाद पर पेड़ से आप 15 किलो 20 किलो ले सकते हो, जैसे जैसे इनकी एज बढ़ेगी। अच्छा। और इनकी एज करीब 25 साल होती है एक पेड़ की। अच्छा। तो ये 50 किलो तक भी सेब देते हैं। अच्छा, अच्छा। लेकिन वो पेड़ पे डिपेंड करता है, यदि उसकी ग्रोथ ठीक है, उसकी टहनियाँ मजबूत हैं, तो आप 30-40 किलो भी एक पेड़ से सेब ले सकते हैं। तो जो है कि यहाँ पे जो है कि हम देख रहे हैं कि बीच में मैट भी विचार किया है, तो थोड़ा सा आप जो है कि व्यूअर्स को इस मैट के बारे में बता दीजिए कि मतलब ये मैट यहाँ पे क्यों लगाई गई है। इसमें ग्रिपिंग सिस्टम है, देखिए, एक तो पौधों के लिए पानी की बहुत आवश्यकता पड़ती है, जब इन पे फूल लगते हैं और फल पकने तक। अच्छा। 4-5 महीने इनको पानी की सख्त जरूरत पड़ती है। अच्छा। तो हमने इस सिस्टम से इस बगीचों को, मैं हिमाचल से हमारे एक दोस्त हैं मिस्टर राव जी। अच्छा। मैं उन्हीं को ये पूरा प्रोजेक्ट उन्हीं की वजह से तैयार भी हुआ। अच्छा। क्योंकि हमको इसकी पूरी जानकारी नहीं थी। अच्छा। और वहीं से मेरा स्टाफ आता था, मैं उनको लाया वहाँ से। अच्छा। ये ऐसे बंजर खेत थे। अच्छा। 25-30 साल से जैसे आप देख रहे हैं जी। फिर हमने यहाँ 2 महीने पूरी JCP से इन खेतों का नया ढंग से निर्माण किया। अच्छा। ताकि ये ज़मीन वेस्ट ना हो, और ये नई टेक्नोलॉजी से हर 2 फुट पे पेड़ लगे हुए हैं। अच्छा। एक तो इसमें लैंड की बचत होती है, लैंड बेकार नहीं होती, दूसरा हर पौधे से हमें फल लेना है। अच्छा। तो हमने इस लैंड का भरपूर पूरे सदुपयोग किया, हालांकि टाइम लगा 1 साल करीब। हमें इस प्रोजेक्ट को शुरू करते हुए हमने 28 मार्च 2023 में ये काम शुरू किया था। अच्छा। पहले जंगल को कटा के, झाड़ियाँ कटा के, फिर 2 महीने यहाँ JCP रहे, तो फर्स्ट पेड़ हमने जून 1 तारीख से शुरू किया था उस साइड से। अच्छा। पिछले जून से 23 जून। और समझो कि 1 साल में हमने ये पूरा बगीचा तैयार करके सेब लगा के, अब ये ड्रिपिंग लाइन है ये वाली, ये पेड़ों के दोनों तरफ रहती है, इसमें पानी बूंद बूंद करके जमीन में जाता है। उसके बाद ये ट्री फिक्स है, एक लाइन ही है, एक दूसरी है। ये ट्री फिक्स ऐसा है कि पेड़ को जब हवा तूफान आता है तो हिलने जुलने से बचाता है, इसकी ग्रोथ बढ़ती रहती है, इसीलिए 1 साल में इसकी ग्रोथ इतनी बढ़ गई और फल देना भी शुरू कर दिया जी। और ये मैट, इस मैट का उद्देश्य होता है, एक तो इसमें घास नहीं जमती है। अच्छा। दूसरा जो इसके नीचे ड्रिपिंग लाइन है तो ये उस नमी को बरकरार रखता है, सूर्य के किरणों से पानी जल्दी सूखेगा नहीं। तो इसके 2 फायदे, एक तो निराई गुड़ाई की बचत होगी, दूसरी नमी रहेगी। अच्छा जी। तो मतलब कितने वर्कर्स अभी के टाइम पे आपने यहाँ पे लगा रखे हैं? वर्कर तो इस प्रोजेक्ट में बहुत लगे क्योंकि इतने पुश्ते लगाने थे। अच्छा। पहले 40-50 वर्कर थे शुरू में। अच्छा। फिर धीरे धीरे अब सीजनली, जैसे अभी वहाँ नीचे पुश्ते लग रहे हैं, तो 5-7 ये हमारे नेपाली बंधु हैं और 5-7 हमारी जो घरेलू महिलाएँ हैं। अच्छा। नज़दीक गाँव की, तो मैं उनको लगाता हूँ, और एक हमारे मुंशी जी हैं, बाकी मेरे हिमाचल के
हैं दो चार आदमी, जैसे नेट का काम चल रहा है तो प्रोफेशनल वो लोग इस चीज़ को जानते हैं, तो हम उधर से बुलाते हैं। अभी हमें इन चीज़ का पूरा ज्ञान नहीं था, नहीं था ना हमारे गढ़वाल में अभी ये था, तो इसलिए उन लोगों को बुलाना पड़ता है। और तब धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे तो फिर आगे चलता रहेगा। जी ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो है कि आपने डिटेल्स में बताया। अभी हम लोग जो है कि